वेलकम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये कुछ राजस्थानी स्कल्पचर जो हम लोग बना रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ आपने 21 डे चैलेंज जो मैंने पिछले 2 से 3 महीने में दिया, आप लोगों को बहुत सारे मीडियम में मैंने काम करना सिखाया वो ज़रूर किए होंगे। तो आप में से किन किन लोगों ने काम किया तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो अभी मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा कस्टमाइज वर्क है जो एक अलग मीडियम में हम क्ले मॉडलिंग करके कास्टिंग करते हैं, उसमें ये काम कर रही हूँ राजस्थानी स्कल्पचर। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो मैं आपके लिए छोटे छोटे और भी क्ले का मीडियम लेकर आ रही हूँ। और अब हम चालू करने वाले हैं कि अलग अलग मीडियम क्या होता है हमारे आर्ट फील्ड में, स्कल्पचर में। केवल हम एक ही मीडियम में काम नहीं करते हैं। रेजिन जो फाइबर बोलते हैं वो कास्टिंग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्टिंग है, उसके बाद टेराकोटा क्ले है, इको फ्रेंडली क्ले है, इस तरीके से बहुत सारे मीडियम हैं जो अब मैं एक एक करके आर्ट टेक में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो क्या आप एक्साइटेड है तो जल्द से कमेंट में लिखिए यस। और आपने कुछ काम किया हो तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ मिलते रहेंगे। और नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि पिछले भी मैंने 30-90 डेज में बहुत सारी चीज़ें शेयर की है जो अगर आपने नहीं सीखा है तो आप आगे जाकर देख सकते हैं बैक डेट में। और अभी मैं आपके लिए एक छोटा गोलू मोलू बेबी स्कल्पचर आपको सिखाने के लिए उसका लिंक कमेंट में दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर वो छोटा बेबी सीख सकते हैं। उसका फोटो ये सामने में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मीडियम में जो हम काम करते हैं, ये वाला जो स्कल्पचर हमने बनाया है, ये हमने पहले साडू क्ले में बनाया, फिर मोल्डिंग किया, कास्टिंग किया, ऐसे अलग अलग प्रोसेस किया। और अब उसकी कलरिंग जो हम कर रहे हैं ये एक्रेलिक कलर है। तो एक्रेलिक कलर जो हम सिंपल फेविक्रिल कंपनी का लेते हैं वो कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसको वाटरप्रूफिंग करते हैं। वाटरप्रूफिंग के लिए हम कुछ स्प्रे है, मेलामाइन है, इस तरीके से स्प्रे करते हैं। तो ये जो मैं कुछ चीज़ें वर्ड बोल रही हूँ केमिकल्स का, शायद वो बहुत जल्दी आपके लिए फैमिलियर नहीं हो, बट मैं आर्ट टेक में अब आपको एक एक मीडियम जो है, पेंसिल मीडियम हो गया, चारकोल मीडियम हो गया, उसकी क्या मीन्स उसके लिए क्या चाहिए आपको, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। और यहाँ पर जो बुद्धा देख रहे हैं ये भी हमारा इको फ्रेंडली से बना हुआ है, और ये बेबी आप बनाने वाले हो जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दी हूँ। तो चलिए मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।